अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलाद मुस्तफ़ा की तैयारी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर फ़्लावर अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और शेरीन बहुत बिज़ी हैं क्योंकि शेरीन फेवर्स वग़ैरह यहाँ पे रीअरेंज कर रही हैं क्योंकि सुबह में मिलाद है। तो हमने सोचा है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये एक रात पहले ही कर ली जाएँ क्योंकि जिस दिन मिलाद होता है बहुत काम होते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि ये लाइट्स वग़ैरह लगा ली जाएँ, सारा स्टेज बना लिया जाए और जो हैं फ़्लावर अरेंजमेंट्स ये किए जाएँ। तो यहाँ पर शहरीन जो हैं ये फेवर्स को अरेंज कर रही हैं और ये जो फेवर्स बनाए गए हैं इसके अंदर डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अंदर सुपारी हैं, स्वीट्स हैं और ये रिफ़्रेशमेंट के लिए हैं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट होनी चाहिए। तो बहुत क्यूट पाउचेस हैं ये, देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगा, इसके अंदर लिंडो स्वीट है, ड्राई फ्रूट्स हैं और एक एक ये शाही मेवा है और बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो हैं ये फ़्लावर्स का अरेंजमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो हमने सोचा कि हम इनको फ़्लावर अरेंजमेंट पहले ही बना लेते हैं जी। तो ये फ़्लावर अरेंजमेंट्स जो हैं ये शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। तो हमने डिफरेंट काइंड के फ़्लावर्स और लीव्स को लिया है, हमने यहाँ पर तीन कलर के रोज़ेस लिए हैं, येलो, वाइट एंड रेड, और उसके साथ हमने जो हैं और डिफरेंट वाले फ़्लावर्स भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। और ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल अरेंज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब आप डेकोरेशन देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये लाइट्स, ये बैनर्स। और यहाँ पे हमने स्टेज बनाया है नाथवान्स के लिए, ये लेडीज़ मिलाद है और यहाँ पर हम अब ये सारा सेटअप करके अरेंज कर रहे हैं। और ये देखें कुशन्स और पिलोज़ भी कितने नाइस लग रहे हैं कलर कोऑर्डिनेशन के साथ, ये सारा ग्रीन और डार्क रेड मैरून कलर जो है उसका सारा थीम रखी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लावर भी इनके साथ बहुत अच्छे मैच हो गए हैं और बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर अब तैयारी शुरू हो चुकी है और ये शहरीन जो हैं ये गोलगप्पे फ्राई कर रही हैं, और क्योंकि ये हमें वहाँ पर जाकर खाना तो बाहर से ऑर्डर हुआ है, तो जो मेन कोर्स है वो केटरिंग हमने करवाई है वो वहाँ से आ जाएगा, लेकिन कुछ जो है ये हमने सोचा कि चीज़ें जो हैं ये रिफ़्रेशमेंट्स वग़ैरह ये हम खुद ही बना लेते हैं। तो चाट और गोलगप्पे, दही बड़े, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर बनाई हैं, कोई किसी ने सैंडविच बनाए, किसी ने दही बड़े बनाए, कोई गोल, और ये शहरीन इस वक्त फ्राई कर रही हैं बड़े प्यारे गोल गोल गोलगप्पे। तो अभी इनका पानी भी, इसका जो होता है इसके साथ पानी पूरी का पानी, अभी वो भी बनेगा। तो अभी ये काफ़ी सारे हैं, ये तो अभी तो स्टार्ट हुए हैं और अभी काफ़ी टाइम लगेगा इन सबको फ्राई होने के लिए। और इसके बाद जो है ये चाट की तैयारी शुरू हो गई है, ये फ्रेश मिंट, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़, ओनियंस, टोमेटो और ये चने हैं। तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा चनों की चाट बनी है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपको बैकग्राउंड से अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जा रहा है, माशाल्लाह से लेडीज़ मिलाद है और बस रात से हम लोग लगे हुए हैं, प्रेपरेशन वगैरह सारी कंप्लीट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बस गेस्ट भी आने शुरू हो गए हैं तो अभी सेटअप वगैरह करते हैं। So guys, people are just coming in now and the Milad is about to start. As you can see, the stage, we are on the stage now. It's just about to start.
किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए मैं गुलाम-ए-मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गुलाम-ए-मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अंतफी हिम्माप से कह रहा है आपका रब अंतफी हिम्माप से क्यों इन्हें मैं दूँ सजाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए सामने है अली के लाल उस बाप का लाल उस बाप का क्यों किसी का खौफ खाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए शहर में हर शहर पे ताजगी है मोहम्मद के शहर में हर एक भर रहा है यहाँ दामने शहर में मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में الموت ولا تعذبنا في القبور ولا يحاسبنا يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير اللهم إني أسألك المعافى في الدنيا والآخرة يا حنان يا منان أدخلنا الجنة في روح ورهان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان जी तो खाने में दही बड़े हैं चाट है और समोसे हैं स्प्रिंग रोल्स हैं चाउमीन है दाल है और चिकन रोस्ट है और ये लैम और आलू की करी है आलू गोश्त बोनलेस पालक एंड चिकन पुलाव एंड नान
तो ये सब चीज़ें जो हैं ये खाने के लिए हैं और यहाँ पे खाना शुरू हो गया है और माशाल्लाह सब लोग खाना ले रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद बारी आ जाती है खीर की, तो ये होममेड खीर है और बहुत ही मज़े की खीर है और यहाँ पे लोग गोलगप्पे इंजॉय कर रहे हैं। गोलगप्पे तो आपको पता है कि सबके फेवरेट होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब केक की बारी आ गई है। बहुत खूबसूरत केक है मिलाद मुबारक का और अब इसकी कटिंग की जाएगी और फिर ये भी सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा और केक बहुत खूबसूरत केक है माशाल्लाह। अमित की केक कटिंग की ड्यूटी जो हर वक्त होती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिलाद रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, खाना नात हर चीज। अब लास्ट क्लास कर रहे हैं तो जो कुछ लगाया वो सब उतारना भी है। तो एक ही है ना बस ये। So guys, alhamdulillah, been a lovely milad. Yeah, mashallah, it's been really, really nice. You've seen how nice everything was, how the food was amazing. Yeah, just been so busy running around. We've had no chance. I didn't even get a chance to make any videos. I don't think you guys seen barely any of us. Yeah, today, so it's been wild. The but you could hear in the background as well, but we have just sat down. We have just ate and we've just been so busy. So we've literally been non-stop. But we really hope you guys have enjoyed this Milad vlog. Do leave a comment, let us know what you think. And thank you so much for watching, guys. Take care. And Eid Milad Nabi Mubarak. Allah Hafiz.